हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर क्या बी एन एम इंग्लिश लिटरेचर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बी ए इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस को एनालाइज करेंगे कि उसमें कितने सेमेस्टर होते हैं और किस सेमेस्टर में आपको कौन सा यूनिट स्टडी करना है, क्या क्या आपके सिलेबस में दिया हुआ है, एवरीथिंग विल एनालाइज एंड डिस्कस। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के वेबसाइट पर जहाँ पे ये आपका सिलेबस अपलोडेड है। सो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। वैसे ये सिलेबस तो 2020 के पहले का है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई हो चुका है। फिर भी हम लोग एनालाइज कर लेते हैं कि क्या क्या आपके सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस में दिया हुआ है। एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो सिलेबस चेंज हुआ है उसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं। सो कंटिन्यू करते हैं आज का वीडियो। सो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग सेमेस्टर वन, सेमेस्टर टू, सेमेस्टर थ्री वाइज इस तरह से दिया हुआ है। सेमेस्टर वन, सेमेस्टर टू, सेमेस्टर थ्री। तो सेमेस्टर वन में देख लेते हैं कितने पेपर हैं। तो पेपर वन एंड पेपर टू सेमेस्टर वन में। सो पेपर वन आपका है पोइट्री, इसमें शेक्सपियर टू 18th सेंचुरी तक का डिस्कशन है। एंड पेपर टू में आपका फॉर्म्स ऑफ फिक्शन एंड शॉर्ट फिक्शन है। एंड नेक्स्ट इज सेमेस्टर टू, सेमेस्टर टू में आते हैं। सो सेमेस्टर टू में भी आपका पेपर वन एंड पेपर टू है, दो पेपर हैं। फर्स्ट वन इज ड्रामा एंड सेकेंड वन इज प्रोज। एंड सेमेस्टर थर्ड, सो सेमेस्टर थर्ड में यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें भी दो पेपर हैं। पेपर वन इज पोइट्री, रोमांटिक्स एंड विक्टोरियंस का है इसमें। एंड पेपर टू इज फिक्शन। एंड नेक्स्ट इज सेमेस्टर फोर, सेमेस्टर फोर में आपका पेपर वन है ड्रामा एंड पेपर टू है आपका प्रोज। एंड सेमेस्टर फाइव फिफ्थ, सेमेस्टर फिफ्थ में आपके थ्री पेपर्स हो गए हैं, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे देखिए सेमेस्टर फिफ्थ पेपर वन, पेपर टू एंड पेपर थ्री। तो पेपर वन में आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है एंड पेपर टू इज कंटेम्प्रेरी इंग्लिश लिटरेचर इन ट्रांसलेशन। एंड पेपर थर्ड इज मॉडर्न लिटरेचर पोइट्री है। एंड सेमेस्टर सिक्स में देखते हैं, सेमेस्टर सिक्स में भी आपका यहाँ पे थ्री पेपर है, पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री। सो पेपर वन में आपका मॉडर्न लिटरेचर है, पेपर टू में मॉडर्न लिटरेचर फिक्शन एंड प्रोज है, एंड पेपर थर्ड में आपका फंक्शनल स्किल लैंग्वेज एंड लिटरेचर है। एंड नेक्स्ट अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं कि आपको क्या क्या आपको स्टडी करना है, क्या क्या दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का जो सिलेबस है थोड़ा सा डिफरेंट है सबसे, थोड़ा हाई लेवल का है, तो आपको ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से बिलोंग करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में देखते हैं पेपर वन को, सेमेस्टर वन का पेपर वन पोइट्री, इसमें आपको शेक्सपियर टू 18th सेंचुरी को स्टडी करना है। तो यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं बहुत सारे यूनिट्स दिए हैं, यूनिट वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सोशल एंड इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड, और यहाँ पे दिया हुआ है लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, इसमें आपको लिरिक्स, सोनेट, एलजी और बैलेड, अगस्तियन वर्स, सटायर, ड्रामाटिक मोनोलॉग, एपी के स्कोप एंड टाइप्स, ये सब आपको स्टडी करना है। एंड इसके साथ ही आपको यूनिट फोर में विलियम शेक्सपियर का ट्रू लव पोइट्री आपको स्टडी करना है, जॉन मिल्टन, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन डन, प्रेजेंट इन एब्सेंस एंड माइकल ट्रेटन का सिंस देयर इज नो हेल्प, ये सारी पोइट्रीज आपको स्टडी करनी है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट यूनिट इज फिफ्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट में आपको जॉन ड्राइडन का आपको स्टडी करना है, द पोएट सैडविल फ्रॉम मैक पेक्नो, एंड अलेक्जेंडर पोप का पोइट्री आपको स्टडी करना है, लाइन्स ऑन एडिशन फ्रॉम द डंसियार्ड, एंड थॉमस ग्रे का आपको स्टडी करना है, एलजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, एंड विलियम ब्लेक लंडन। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टोटल आपका 80 मार्क्स का एग्जामिनेशन पेपर है, दैट इज 80 मार्क्स दिस वन। एंड यहाँ पे 40 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं,
एंड 20 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट हो जाता है, टोटल मिला के आपका 100 मार्क्स का पेपर हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग पेपर टू की तरफ बढ़ते हैं, सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर टू में देख लेते हैं कि क्या है आपका दिया हुआ है। सो यहाँ पे आपका सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर टू में फॉर्म्स ऑफ फिक्शन एंड शॉर्ट फिक्शन है। सो यहाँ पे भी आपको वही स्टडी करना है। यहाँ पे आपका एलिमेंट्स ऑफ, सो यहाँ पे यूनिट थर्ड आपका है फिक्शन फॉर्म्स एंड टेक्निक्स। इसमें आपको एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल, एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी, पिकेरस नॉवेल, हिस्टोरिकल नॉवेल, गोथिक नॉवेल, एपिस्टरी नॉवेल, रीजनल नॉवेल, डिस्टोपिया, डिटेक्टिव नॉवेल, कैंपस फिक्शन, साइंस फिक्शन, स्पेस फिक्शन, मीटा फिक्शन, चिकलिट, जंक फिक्शन, प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, नरेटिव टेक्निक एंड स्ट्रक्चर, ये सब कुछ आपको स्टडी करना होता था। एंड नेक्स्ट इज शॉर्ट फिक्शन। शॉर्ट फिक्शन में आपको विलियम फॉकनर का ए रूज फॉर एमिली दिया हुआ है एंड डब्ल्यू एस मॉगम का आपको द लंचियन स्टडी करना था। ओ हेनरी का द लास्ट लीफ है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। गाय द माउपसांत का द अम्ब्रेला दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट भी आपका शॉर्ट फिक्शन ही है। इसमें आपको कौन कौन से राइटर्स और आपके कौन कौन से फिक्शन दिए हुए हैं स्टडी करने के लिए, तो नंबर वन इज एंटन चेकोव का द लेमेंट दिया हुआ है। मूल कराज आनंद का द बार्बर्स ट्रेड यूनियन है। आर के नारायण का द ट्रायल ऑफ ग्रीन ब्लेजर है। एंड द कैथरीन मांसफील्ड का द फ्लाई है। एंड अनिता देसाई का गेम्स एट ट्विलाइट दिया हुआ है आपके सिलेबस में। एंड यहाँ पे भी आपका 80 मार्क्स का ही है आपका एग्जामिनेशन हियर। एंड 40-40 मार्क्स का है एंड 20 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट का है, तो टोटल मिला के आपके 100 मार्क्स के पेपर हो जाते हैं। अब हम लोग सेमेस्टर टू की तरफ बढ़ते हैं। सेमेस्टर टू यहाँ पे दिया हुआ है। सेमेस्टर टू का जो पेपर वन है उसमें आपका ड्रामा है। ड्रामा में भी आपका देखिए यहाँ पे क्या क्या आपको स्टडी करना है। फॉर्म्स ऑफ ड्रामा है, इसमें आपको ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, डार्क कॉमेडी, एक्सप्रेसनिस्ट ड्रामा, ड्रामा ऑफ आइडियाज, पोइटिक ड्रामा, एलिनेशन इफेक्ट, एग्रो इफेक्ट, हिस्ट्री प्ले, क्लोजेड ड्रामा, द कर्टिन रिजर्व, वन एक्ट प्ले, ये सब आपको स्टडी करना है। एंड अलॉन्ग विद यू हैव टू स्टडी विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ आपको स्टडी करना है। यहाँ पे दिया हुआ है ये ड्रामा आपको स्टडी करना है। एंड विलियम शेक्सपियर का एज यू लाइक इट भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। और यहाँ पे भी 80 मार्क्स के आपके पेपर हैं एंड 40-40 मार्क्स के, 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट आपका दिया हुआ है। सो यहाँ पे भी आपका 100 मार्क्स का पेपर हो गया है। एंड नेक्स्ट पेपर टू की तरफ बढ़ते हैं, सेमेस्टर टू में। सो पेपर टू आपका यहाँ पे प्रोज दिया हुआ है, प्रोज। सो यहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ प्रोज में आपको क्या सिलेबस में आपके दिया हुआ है, प्रोज स्टाइल्स, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, मेमोयर, ट्रैवलॉग, पीरियडिकल एसे, फॉर्मल एसे, फैमिलियर एसे, पोएटिक प्रोज, यूफोइज्म इसे कहते हैं, प्रोज ऑफ थॉट, ये सब कुछ आपके स्टडी में आपके सिलेबस में दिया हुआ है। एंड यहाँ पे आपके सिलेबस में दिया हुआ है फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज, रिचार्ड स्टील का द स्पेक्टेटर क्लब, जोसेफ एडिशन का पीरियडिकल एसे, ये सब आपके सिलेबस में दिया हुआ है। एंड और यहाँ पे फिर मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूँ कि सिलेबस चेंज हो चुका है और ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है नए सिलेबस का, ये बस हम लोग एनालाइज कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में बी इंग्लिश लिटरेचर का क्या सिलेबस था पहले 2020 के पहले, तो बस यहाँ पे हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आप नॉलेज पर्पस देख सकते हैं, आप जान सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक, नए वाले सिलेबस का वीडियो लिंक मैंने दिया हुआ है, आप उससे यहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज जॉन मिल्टन, यहाँ पे दिया हुआ है आपका। तो जॉन मिल्टन यहाँ पे आपको उनका दिया हुआ है बुक्स एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एरियोपेजिटिका से लिया हुआ है ये। एंड ओलिवर गोल्ड स्मिथ का द मैन इन ब्लैक, चार्ल्स लैम का ड्रीम चिल्ड्रन दिया हुआ है आपको स्टडी करने के लिए। एंड यहाँ पे भी आपका 80 मार्क्स का पेपर है एंड 40-40 मार्क्स का यहाँ पे हो गया है क्वेश्चन पेपर आपका। 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है और ये भी आपका 100 मार्क्स का टोटल पेपर हो जाता था। अब नेक्स्ट हम लोग सेमेस्टर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। सो सेमेस्टर थर्ड में आपका पेपर वन है, पेपर वन आपका है पोइट्री, बी रोमांटिक्स एंड विक्टोरियंस। इसका आपको रोमांटिक्स टाइम्स के विक्टोरियंस टाइम को स्टडी करना है। एंड
पे दिया हुआ है, देखना बहुत सारे यूनिट्स हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ इंट्रोडक्शन टू प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, जिसमें आपको वन पैसेज फ्रॉम प्रोज एंड वन फ्रॉम पोइट्री से एंड रिटोरिक एंड प्रोसोडी, ये भी दिया हुआ है सिलेबस में आपको स्टडी करने के लिए। एंड देख लीजिए कौन कौन से राइटर्स हैं, तो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं रोमांटिक पीरियड से, पी बी शैली, जॉन किट्स। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस ये आपको स्टडी करना है, पी बी शैली का ओ टू द वेस्ट विंग एंड जॉन किट्स का ओ टू ए नाइटिंगेल आपको स्टडी करना है। एंड यहाँ पे दिया हुआ है यूनिट फिफ्थ में ए एल टेनिशन का यूलिसिस, मैथ्यू अर्नोल्ड का रगबाई चैपल एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग का माई लास्ट टचेस, ये आपको स्टडी करने के लिए दिया हुआ है। और यहाँ पे भी 80 मार्क्स का आपका पेपर है, 40-40 मार्क्स का टोटल 100 मार्क्स का हो जाता है इंटरनल असेसमेंट मिला के। पेपर टू आपका आ गया है फिक्शन, फिक्शन में भी देख लेते हैं क्या क्या आपको स्टडी करना है। सो फिक्शन में आपको यहाँ पे बहुत सारे यूनिट्स दिए हुए हैं और नॉवलिस्ट वगैरह भी हैं, तो चार्ल्स डिकेंस का ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एंड जेन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस सिलेबस में दिया हुआ है, एंड मार्क ट्वेन का द एडवेंचरस ऑफ हकलबरी पिन एंड हार्पर ली का टू किल ए मॉकिंगबर्ड। एंड यहाँ पे यूनिट फिफ्थ में इंडियन राइटर आ गए हैं आर के नारायण एंड मुल्कराज आनंद, इनका आपको द पेंटर ऑफ साइंस एंड अनटचेबल स्टडी करना है। यहाँ पे भी सेम हुई है, 100 मार्क्स का आपका पेपर है। एंड नेक्स्ट हम लोग सेमेस्टर फोर की तरफ पढ़ते हैं, तो सेमेस्टर फोर में भी दिया हुआ है, पेपर वन है आपका ड्रामा, तो ड्रामा में यहाँ पे आपको क्या देखिए स्टडी करना है, बहुत सारे यूनिट्स यहाँ पे भी है। सो यहाँ पे हेनरिक इब्सन का ए डॉल्स हाउस दिया हुआ है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कैंडिडा एंड जेम्स इंच का राइडर्स टू सी, एंटन चेकोव का मैरिज प्रपोजल, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। यहाँ पे भी आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर हो जाता है। एंड नेक्स्ट हम लोग पेपर टू की तरफ बढ़ते हैं, पेपर टू में आपको क्या दिया हुआ है, सो पेपर टू आपका प्रोज है, सो प्रोज में आपको यहाँ पे क्या स्टडी करना है, बहुत सारे यूनिट्स हैं, तो यूनिट थर्ड में आपका दिया विलियम हैजलिट, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन एंड रॉबर्ट लिन, तो विलियम हैजलिट का ऑन गोइंग जर्नी दिया हुआ है, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन का एंड अपोलॉजी फॉर आइडलर्स आपको शुरू करना है, रॉबर्ट लिन का द प्लेजर्स ऑफ इग्नोरेंस। एंड नेक्स्ट यूनिट में इजी गार्डिनर है, ईवी लुकास है, वर्जीनिया वुल्फ है, तो इजी गार्डिनर का आपका दिया हुआ है द रूल ऑफ द रोड, ईवी लुकास का ऑन फाइंडिंग थिंग्स एंड वर्जीनिया वुल्फ का जूडिथ शेक्सपियर दिया हुआ है। एंड यूनिट फिफ्थ में थॉमस पेन का फ्रॉम कॉमन सेंस, राल्फ वाल्डो इमर्सन का सेल्फ रिलायंस एंड टोनी इमर्सन का होम फ्रॉम द बुक द हाउस दैट रेस बिल्ट, ये आपको स्टडी करना है। एंड सेम यहाँ पे भी 100 मार्क्स का पेपर हो गया है। एंड अब भी इंग्लिश सेमेस्टर फिफ्थ की तब पढ़ते हैं, सेमेस्टर फिफ्थ यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपका पेपर वन है वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो मैंने आप लोगों को वहाँ पे बताया था पहले कि सेमेस्टर फिफ्थ में सेमेस्टर सिक्स में आपके 3 पेपर्स हो जाते हैं, तो पेपर वन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको स्टडी करना है, सिलेबस में दिया हुआ है, तो यूनिट टू में दिया है फ्रॉम रेनेसा टू 17th सेंचुरी, इसमें आपको रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन, मिरेकल एंड मोरालिटी प्ले, यूनिवर्सिटी विट्स, ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल, मेटाफिजिकल पोइट्री, न्यू क्लासिसिज्म एंड एलिजाबेथन सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, ये आपको स्टडी करना है। एंड नेक्स्ट यूनिट इज 18th सेंचुरी एंड द रोमांटिक एज, इसमें आपको ग्रोथ ऑफ द नॉवेल, प्रिकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ रोमांटिक लिटरेचर, इसमें आपको प्रोज, पोइट्री, ड्रामा एंड नॉवेल, ये सब आपके सिलेबस में दिया हुआ है। एंड यूनिट फोर्थ इज 19th सेंचुरी, इन दिस यू हैव टू स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विक्टोरियनिज्म, ग्रोथ ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर, इन दिस यू हैव टू स्टडी प्रोज, पोइट्री, ड्रामा एंड नॉवेल। एंड नेक्स्ट इज प्री रैफेलाइट पोइट्री एंड नॉटी 19th। एंड नेक्स्ट इज नेक्स्ट फिफ्थ यूनिट इज द 20th
एंड 21st सेंचुरीज, इसमें आपको स्टे करना है. ट्रेंड्स इन 20th सेंचुरी लिटरेचर विद स्पेशल रेफरेंस टू जॉर्जियन पोएट्री, इमेजेस एंड सिम्बोलिज्म ऑफ वुमेन पोएट्री, 20th सेंचुरी नॉवल, 20th सेंचुरी ड्रामा, प्रॉब्लम प्ले, थिएटर ऑफ द अब्सर्ड, एक्सप्रेशनिज्म, एपिक थिएटर, ग्रोथ ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म एंडसेट्रा, ये सब आपको स्टडी करना है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है. एंड यहाँ पे भी आपका 100 मार्क्स का पेपर हो गया है, यानी सारे पेपर आपको 100 मार्क्स के हैं. 20 मार्क्स का आपको इंटरनल असेसमेंट का लिया जाता है नंबर. एंड पेपर टू की तरफ बढ़ते हैं, तो पेपर टू में आपका दिया हुआ है, पेपर टू का आपका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन. सो यहाँ पे आपको देखें, यहाँ पे आपको स्टडी करना है कबीर का द इंग्लिश राइटिंग्स ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर 1994, ये आपका उसे दिया हुआ है एड्रेस वगैरह. एंड सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे, एंड यहाँ पे अमृता प्रीतम ही है. और इन लोगों का जो वर्क्स है, हिरोशिमा, आई कॉल अपॉन, व्हाट इज स्टार टुडे, एम्प्टी स्पेस मी, ये सब कुछ आपको स्टडी करना है इन इंडियन लिटरेचर में, ट्रांसलेशन है ये. एंड नेक्स्ट ट्रांसलेशन है मुंशी प्रेमचंद का. सो हियर यू कैन सी मुंशी प्रेमचंद, एंड इनका है गबन, ट्रांसलेटेड बाई क्रिस्टोफर आर्किंग एंड यशपाल, दिव्या श्री लाल शुक्ला, राग दरबारी, ट्रांसलेटेड बाई गिलियन राइट, पेंगुइन बुक्स लिमिटेड. एंड नेक्स्ट यूनिट में आपको विषम सानी का अमृतसर आ गया, एंड दी महाश्वेता देवी का द हंट, एंड निर्मल वर्मा का द क्रोज ऑफ डिलीवरेंस, ये आपको स्टडी करना है, सिलेबस में आपको दिया हुआ है. एंड नेक्स्ट वन इज यूनिट फिफ्थ, इन दिस यू हैव टू स्टडी रविन्द्रनाथ टैगोर, रेड ओलिंडर्स, मोहन राकेश का आधी अधूरी, हाफवे हाउस एंड विजय तेंदुलकर का कन्यादान, यू हैव टू स्टडी. सो इसमें भी आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा. एंड नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं पेपर थर्ड की तरफ. पेपर थर्ड का आपका नाम हो जाता है मॉडर्न लिटरेचर पोइट्री. इन मॉडर्न लिटरेचर पोइट्री में आपको स्टडी करना है यहाँ पे आपको स्टडी करना है डब्ल्यू बीट्स का द सेकेंड कमिंग एंड टी एस एलियट का द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक एंड फिलिप लार्किन का चर्च गोइंग एंड यूनिट थर्ड में वॉल्ट व्हिटमैन उनका आपको स्टडी करना है विन लिली का लास्ट इन दी डू यार ब्लूम दी एंड एमिली डिकिंसन का आई टेस्ट ए लिक्विड नेवर डू इट एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट का द रोड नॉट टेकन एंड यूनिट फोर्थ में आपको सरोजिनी नायडू को स्टडी करना है सॉन्ग ऑफ राधा महादेवी वर्मा का आपका वाई एंड इंट्रोडक्शन सिंस यू आर विद इन मी एंड कमला दास भी है यहाँ पे उनका माई ग्रैंड्स मदर हाउस को स्टडी करना है एंड यूनिट फिफ्थ में आपको स्टडी करना है इन यूनिट फिफ्थ श्री अरविंदो का द रोज ऑफ गॉड निजी मिजिकाई द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एंड एके रामानुजन का आपको स्टडी करना है रिवर ऑफ इट्यूरी सो यहाँ भी आपका 100 मार्क्स का पेपर हो जाता है नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं सेमेस्टर 6 की तरफ दिस इज लास्ट सेमेस्टर इन लास्ट सेमेस्टर यहाँ पे भी आपका पेपर 1 पेपर 2 एंड पेपर 3 है तो पेपर 1 में आपको मॉडर्न लिटरेचर स्टडी करना है ड्रामा को यहाँ पे दिया हुआ है मॉडर्न लिटरेचर ड्रामा यहाँ पे आपको स्टडी करना है यहाँ पे देखिए बहुत सारे यूनिट्स दिए हुए हैं सो नंबर 1 इज सैमुअल बेकेट जिनका आपको वेटिंग फॉर गुडेट जॉन ऑसबोर्न लुक बैक इन एंगर एंड इन यूनिट फोर्थ लेकिन वो नील का द हैरी एप आर्थर मिरल का द डेथ ऑफ ए सेल्समैन एंड इन यूनिट फिफ्थ गिरीश कर्नाड एंड महेश दत्तानी आर हियर गिरीश कर्नाड का तुगलक एंड महेश दत्तानी का तारा आपको स्टडी करना है एंड ये पेपर भी आपका 100 मार्क्स का है एंड नेक्स्ट हम लोग पेपर टू की तरफ बढ़ते हैं पेपर टू आपका मॉडर्न लिटरेचर है इसमें आपको फिक्शन एंड प्रोज स्टडी करना है सो यहाँ पे आपका दिए हुए बहुत सारे यूनिट्स हैं नंबर 1 इज ई एम फॉरेस्टर इज ए पैसेज टू इंडिया आपका स्टडी जेम्स जॉयस ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन एंड अर्नेस्ट हेमिंग्वे द ओल्ड मैन एंड द सी एंड इन यूनिट 4 अनिता देसाई फास्टिंग फिस्टिंग
शशि देश पांडे, द डार्क होल्स, नो टीटर्स एंड चित्रा बनर्जी, देवा कोरणी, मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस, यू हैव टू स्टे. एंड नेक्स्ट इन यूनिट यूनिट फिफ्थ इज प्रोज. इन प्रोज यू हैव टू स्टडी श्री अरविंदो का द एसेंस ऑफ पोइट्री, चैप्टर टू फ्रॉम द फ्यूचर पोइट्री, एंड जवाहरलाल नेहरू का इन नैनी प्रिजन, एंड नीरज चौधरी का टेल मी द विनर एंड आई विल टेल द मैन. अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. पेपर एक का 100 मार्क्स का होगा. एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज पेपर थर्ड, फंक्शनल स्किल्स इन लैंग्वेज एंड लिटरेचर. सो यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है, फंक्शनल स्किल्स इन लैंग्वेज एंड लिटरेचर यहाँ पे आपको स्टडी करना है. यहाँ पे आपका दिया हुआ यूनिट यूनिट टू में आपको रेमेडियल इंग्लिश, ग्रामर एंड यूज ऑफ इंग्लिश. यहाँ आपको दिया हुआ सिलेबस में प्रॉब्लम एरियाज इन ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच विद एम्फेसिस ऑन आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, वर्ब, एडवर्ब्स, टेंसेस एंड देयर यूजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, क्वेश्चन टैग्स, कॉमन एरर्स, सेंटेंस एंड पैराग्राफ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ड फॉर्मेशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, कॉमन एक्सप्रेशंस ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस यूज्ड इन इंग्लिश, वोकैबुलरी बिल्डिंग, यूज ऑफ अ डिक्शनरी, एवरीथिंग इज हियर यू हैव टू स्टडी. एंड यूनिट थर्ड प्रिसाइज राइटिंग, एसे राइटिंग, लेटर अप्लीकेशन जिसको बोलते हैं, एंड यू हैव टू स्टडी सॉरी सेंटेंस एंड पैराग्राफ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ड फॉर्मेशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन लैंग्वेज यूज्ड इन सॉरी एंड प्रपोजल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, डायलॉग राइटिंग एंड एडिटिंग, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस राइटिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, प्रोजेक्ट राइटिंग, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन. And next unit is communication skills. You have to study professionals and general communication, putting the message across, psychological, physical, emotional barriers, theme, presentation, group, discussion, speaking in a seminar, delivering short speeches, listening, note taking, body language, stress, intonation, and rhythm, and here are there. And next unit is unit 5th, comprehension using language through literature, method through study of select text and quotation based on them. So you have to study. Here is writer G.S. Mill. G.S. Mill ka On Liberty, S. Radhakrishnan, The Gandhian Outlook, Moody E. Prior, The Aim of Science and the Humanities, and D.C. Kinghe, The Scientist and the Poet, and Ellen Showalter का Feminist Criticism in Wilderness, and Vandana Shiva का Empowering Women. ये paper भी आपका 100 marks का होगा. So this is the complete discussion about the syllabus of English Literature of University of Lucknow. Hope this. So students, आज के इस video में हम लोगों ने University of Lucknow के BA English Literature के syllabus के बारे में analyze कर लिया. So इस तरह की informative videos आपको मिलती रहेंगी. But you make sure subscribe the channel so you'll get the notification of videos. Meet you in the next video. Till then, keep it.